उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कल इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे और कार्यवाही के पहले दिन आज दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। निधन की सूचना पटल पर रखी जाएगी। और आपको ये भी बताएं कि 18 अगस्त को यूपी का अनुपूरक बजट पेश होगा, यानी कि कल पेश होगा। और अगले साल चूंकि चुनाव है तो पूर्णकालिक बजट की बाद जो है ये अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, ताकि जो योजनाएं हैं उनके लिए वित्त और वित्तीय प्रबंधन कहीं से कम ना हो। बिल्कुल, सप्लीमेंट्री बजट। और वहीं पूरी संभावना ये है कि विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगी। चुनावी साल है, कानून व्यवस्था हो गया, किसान का मुद्दा हो गया, इस पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। हालांकि सरकार ने इसे लेकर तैयारी भी पूरी कर रखी है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी में भी सत्ता पक्ष जुटे हैं। कैसे? सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा की 1 किलोमीटर के दायरे में पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रॉली, बग्गी, बैलगाड़ी जैसे किसी भी तरीके का वाहन नहीं लेकर आ सकते आप। तो कोई भी प्रदर्शन जो सांकेतिक हो उसे भी रोकने की ये कोशिश होगी राजनीति की। बिल्कुल, किसी भी किस्म के प्रदर्शन को जिसमें बैलगाड़ी, बग्घी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा हो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है 1 किलोमीटर की परिधि विधानसभा के चारों ओर। और जैसा कि अभी स्नेहता बता रही थी, मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के पास सुरक्षा सख्त है। इसको लेकर लखनऊ के कई रास्तों को बंद भी कर दिया गया है, कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और विधानसभा के सामने की मुख्य सड़क आवागमन के लिए बंद कर दी गई है, किलेबंदी कर दी गई है विधानसभा की। आशंका इस बात की कि बहुत बड़ा कोई प्रदर्शन हो सकता है और इससे व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और इसी आशंका के चलते 1 किलोमीटर की परिधि में बहुत सारी चीजें नहीं ले जाई जा सकेंगी और विधान भवन के सामने की जो सड़क है उस पर आम लोगों की आवाजाही बंद। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में कहीं विपक्षी दल के लोग हंगामा ना करें, इस आशंका के मद्देनजर ये जो विधानसभा के सामने मुख्य मार्ग है, हजरतगंज का जो मुख्य रास्ता है, इस पर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है दोनों तरफ। इधर भी आप देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और इधर जो अटल चौक है यानी हजरतगंज का जो मुख्य चौराहा है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि कोई भी सत्र के दौरान किसी तरह का कोई प्रदर्शन, कोई हंगामा यहाँ ना करने पाए। और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किया गया, साफ तौर पर लिखा गया है कि 1 किलोमीटर का जो ये पूरा रेंज है यहाँ कोई बैलगाड़ी लेकर नहीं आ सकता, घोड़ा गाड़ी लेकर नहीं आ सकता, तांगा लेकर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इस तरह के कुछ कहीं ना कहीं इनपुट मिले थे कि जो विपक्षी दल के लोग हैं वो शायद महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस तरह से कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इक्का तांगा घोड़ा गाड़ी ला सकते हैं। लेकिन सत्र हमने हमेशा देखा है, लंबे समय से कवर किया है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे फिर वो मानसून सत्र हो, चाहे वो फिर शीतकालीन सत्र हो, कभी भी सत्र के दौरान इस मुख्य मार्ग को नहीं बंद किया गया। यहाँ से हजारों लोग हर दिन गुजरते हैं और हम कहें तो लखनऊ का ये मुख्य रास्ता है, मुख्य सड़क है, यानी जिसको भी चारबाग से हजरतगंज जाना है इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है, इसी रास्ते से जाता है। पर आज इसे ये बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया और लोगों को डाइवर्जन अब दिया गया, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, अलग अलग रास्तों से लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब ऑफिस टाइमिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है ऐसे में दिक्कत आम लोगों को, आम जो कम्यूटर्स हैं उन्हें उठानी पड़ेगी। कैमरा सहयोग जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो राजेंद्र देखिए कि सदन के भीतर हंगामा तो होते देखा है हमने, लेकिन तैयारी इतनी पुख्ता हो रही है सदन के बाहर हंगामा ना हो, इसको लेकर रिपोर्ट दिखाई हमारे सहयोगी। बिल्कुल, और जिनकी रिपोर्ट थी उन्हीं के पास चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, आपकी रिपोर्ट हमने देखी विस्तार से, आपने दर्शकों को बताया कि कैसे 1 किलोमीटर की परिधि में क्या क्या प्रतिबंधित है और कैसे सामने की सड़क को भी आज आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अनुभव, क्या कुछ ऐसा इनपुट है जिसकी वजह से ऐसे असाधारण कदम उठाए गए, क्योंकि इससे पहले भी विधानसभा सत्र हुए हैं लेकिन सामने की सड़क पर आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना, ये इस बात का इशारा है कि कोई ऐसा इनपुट या ऐसा अंदेशा है जो इससे पहले कभी नहीं मिला था? हाँ,
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और शायद इनपुट जरूर मिला होगा कि विपक्षी दल कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखा था तो यही इसी सड़क पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ इनपुट मिला है कि शायद यहाँ पर इक्के से, बैलगाड़ी से, तांगे से वो आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी आदेश नहीं आया कि इक्का, बैलगाड़ी, तांगा लाना इस रोड पर मना है। हालांकि जब हमने खबर दिखाई तब इस मुख्य मार्ग का एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया है, इससे यानी हम वन वे कर दिया गया, तो थोड़ी सी राहत जरूर। तो बिल्कुल जो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं अनुभव, ये जरूरी है, ये वो रास्ता है जिसे हार्ट से जोड़ने वाली आर्टरीज होती हैं, यहाँ से तमाम जगहों पर जाने वाली चीजें होती हैं। अब उसे ब्लॉक करने से आम लोग कैसे आएंगे जाएंगे, हमारे सहयोगी अनुभव जुड़े हुए हैं। अनुभव बताइए, अब एक तरीके से वन वे कर दिया गया है, लेकिन ये वीकेंड भी नहीं है, ट्रैफिक पर कितना असर पड़ेगा? देखिए बहुत असर पड़ेगा, यही तो मुख्य मार्ग है, हजारों गाड़ियां, हजारों लोग हर दिन यहीं से गुजरते हैं और जब ऑफिस टाइमिंग है, स्कूल भी खुले हुए हैं, यहीं पर सारे ऑफिसर्स भी हैं ज़्यादातर, तो मुश्किल तो होगी। अब आपने क्या किया, अटल चौक से डाइवर्जन दे दिया, पीछे से होते हुए आप जाइए, जिसको चार बाग जाना है, जिसको कहीं और जाना है, तो अब ज़रूर इसको वन वे तो ओपन किया है, पर ये है कि कहीं ना कहीं मुश्किल लोगों को ही झेलनी पड़ेगी जब ट्रैफिक सड़क पर बढ़ेगा तब, क्यों, क्योंकि विधायकों की भी गाड़ियां पीछे लगेंगी, उसी तरफ से आपने रास्ते को डाइवर्ट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सड़क तो उतनी है, गाड़ियां जब ज्यादा होंगी तो ट्रैफिक की दिक्कत जरूर आएगी और शायद इसीलिए अब ये किया कि इसको वन वे कर दिया, यानी अगर आपको चारबाग से हजरतगंज जाना है तब आप जरूर इधर से जा सकते हैं, लेकिन हजरतगंज से चारबाग जाने के लिए आपको डाइवर्जन लेना ही बिल्कुल पड़ेगा। अनुभव, चलिए एबीपी गंगा के दर्शक कम से कम जरूर ध्यान रखेंगे, शांति बनाने की कोशिश है कार्यवाही को लेकर, वो भी जनता का काम है, लेकिन हाँ अगर घर से निकल रहे हैं तो इन सारे डाइवर्जन को ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी खबर है लोगों के लिए।